और ये देखो धीरे 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 सारे बेबीज कितना बड़ा हो गया है। हाँ खाने के लिए तुम्हारा पेरेंट्स आ रहा है अभी। देखो कितना बड़ा हो गया है और कितना सुंदर, मतलब खाने के लिए जब कोई आ रहा है, देखो 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 देखो। हाँ और वो देखिए उन लोगों का पेरेंट्स पूरा दिन मेल फीमेल दोनों मिलके पेट भर के सारे बच्चों को फीड कराने में बिजी रहता है। ये देखो इतना गर्मी में तुम लोग नीचे क्या कर रहे हो? ये है रियो का मेल और ये रहा हम लोगों का रियो। नीचे क्या कर रहे हो? इतना तेज गर्मी, इतना तेज धूप, क्या करें रियो? बहुत तेज गर्मी है ना। हाँ मुंह खुल के सांस ले रहा है। देखो सारे के सारे बर्ड्स एकदम कितना साइलेंट हो गया है। गर्मी बहुत है ना, वेदर के साथ हम लोगों को तो एडजस्ट करके ही चलना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। वर्ष का पानी पिया, इलेक्ट्रोल का पानी पिया जो दिया था रियो? देखो दोनों मिलके हमको डरा रहा है। अरे नहीं नहीं, तुम लोग कैसे हो इतना गर्मी में? सब ठीक ठाक है कि नहीं? पानी पियो कि नहीं? इलेक्ट्रोल पाउडर जो दिया था वो तुम लोगों का बॉडी के अंदर जाके काम कर रहा है कि नहीं? वही पूछने के लिए, वही देखने के लिए आया था यार। ठीक है कोई बात नहीं, धूप में क्यों, वहाँ छाँव में जाके बैठो, जहाँ छाँव है, जहाँ शेड है, ठीक है ना। और देखो बाकी का सारे बार चुपचाप सब बैठे, और सच में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। सारे बार कैसे मुंह खुल के सांस ले रहा है, गर्मी बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है। देखो देखो बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है, और क्या करें, कुछ कर भी नहीं सकते। इतना तेज धूप, बारिश भी नहीं हो रहा है, बुरा लग रहा है। ठीक है पानी तो ठंडा है, लो पानी पी। इतना भयंकर गर्मी के बाद बारिश भी देखिए उतना ही तेजी से, जिसे भारी बारिश कहा जाता है वही हो रहा है। बहुत गर्मी था, बहुत ज़्यादा गर्मी, और सुबह से तेज बारिश, और बिजली भी कड़क रहा है भयंकर से। देखिए बारिश का तेज, देखिए देखो। मैं ऊपर दूसरा काम कर रहा था, वो बेचारी देखो 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 क्या है वो। अच्छा मतलब दो तीन दिन पहले इन लोगों को छोड़े थे। टेम्ड बेबी है कॉकटेल का। चलो अंदर जाओ, पहले सूखा कपड़े से पोंछ के गरम हीट बाल्ब के नीचे रख दो। ओ बाप रे पूरा भीग गया। काम होते होते मतलब मिस्त्री लोग तो इतना दिन नहीं बोला कि बालू खत्म हो रहा है, और सडनली बोला कि हाँ बालू खत्म हो गया है बहुत ही जल्दी अर्जेंटली। इस गाड़ी को हम लोगों ने बुक करके पूरा बालू भर के लेके आए हैं। नारायण काकू दादा, अच्छे दादा के छेड़ दो। चढ़ गए हैं गाड़ी का ऊपर, और एकदम जो मेजरमेंट लिया जाता है वही चल रहा है अभी। राजू ये कब तक चलेगा? इसका अंदर बैटरी का सिस्टम कुछ है, ज्यादा दिन का नहीं, दो चार दिन के बाद देखना खत्म। और तो हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, मैं हूँ दीपंकर, ये है नारायण अंकल, और हम दोनों करते हैं आप सभी को हम लोगों का पैरेट दीपंकर का नया फार्म में बहुत बहुत स्वागत, नया वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। और मिट्टी गिराने का काम तो चल रहा था, थोड़ा बहुत मतलब बाकी रह गया, और इतना बड़ा स्पेस है तो फेज मतलब पार्ट बाय पार्ट हम लोगों को काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही साथ कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब हो नहीं पाएगा हमसे, ठीक है ना। इसी के लिए फेज बाय फेज पार्ट बाय पार्ट हम लोगों का काम आगे होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और यहाँ से तो मिट्टी डाल के मतलब आधा से थोड़ा कम, मतलब 1/3 से थोड़ा ज़्यादा, 3 भाग के 1 भाग से थोड़ा ज़्यादा काम हम लोगों का हुआ है, मतलब मिट्टी गिराने के काम। और यहाँ अभी हम लोग धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन वगैरह वगैरह जो केजेस वगैरह बनाना है, वहाँ तो सिर्फ पैरट दीपंकर का फार्म पे सिर्फ एक्जोटिक पैरट्स ही रहते थे, अभी तो यहाँ हर एक एनिमल्स जो मतलब यहाँ लीगल है हम लोग केयरिंग करके रख सकते हैं, उन सब के लिए अलग अलग केज बनेगा, मतलब उन लोगों के लिए सेटअप बनेगा, उसी का काम शुरू हो जाएगा। उससे पहले हम लोगों को रहने के लिए यहाँ थोड़ा सा बंदोबस्त करना होगा, क्योंकि हम लोग रहेंगे तभी जाके ना उन लोगों को यहाँ लेके आ पाएंगे। तो
उसी का प्लानिंग चल रहा है। और देखिए पेड़ पे एकदम भरा हुआ है मैंगो, एक को भी मैंने तोड़ने नहीं दिया कि हाँ वो जो आचार आमसी वगैरह होता है ना वो नहीं करेंगे, एक एक पेड़ पे ही पकेगा, वहाँ से टपकेगा, नीचे गिरेगा, यहाँ से उठा के खाएंगे, लेकिन पेड़ से तोड़ के नहीं खाएंगे। अगर खाना है या कुछ बनाना है वो अगर कुछ उसके लिए कुछ होगा तो खरीद के बनाना होगा, यहाँ से तोड़ने का किसी का भी परमिशन नहीं है। गोपाल दा आ जाइए देखिए, और इतना तेज गर्मी में गोपाल दा एकदम फ्री होके बहुत अच्छा हाफ पैंट आपने खरीदा। गोपाल दा पेड़ पे जब आम पक के नीचे गिरेगा ना तो वहाँ से उठाने का खाने के बाद जो मज़ा है और जो टेस्ट सच में एकदम पकने के बाद जो गिरेगा उसका अलग ही टेस्ट मिलेगा। और अभी हम लोग जो करेंगे यहाँ तालाब में से थोड़ा सा मछली पकड़ेंगे। सूर्या को बोल दिया था कि थोड़ा सा चावल और दाल बनाने के लिए और आलू का फ्राई, मतलब यहाँ काम पे आया था, अमित का घर में गए थे, अमित मोंडोल माई लाइफ, अमित मोंडोल यूट्यूब चैनल था, एक हादसा हो गया था एक्सीडेंट में, वो नहीं रहा अमित हम लोगों के साथ, तो पेरेंट्स के लिए मतलब जो केयरिंग का खाने का एवरीथिंग, तो वहाँ गए थे, वहाँ से लौट के यहाँ आया, सोचा था कि नहीं एकदम घर चला जाएंगे, उसके बाद इंजीनियर साहब ने बोला कि 3:30 बजे यहाँ आएंगे, अभी 1:30 हो रहा है, तो यहाँ से घर जाएंगे 20 किलोमीटर, उसके बाद लंच करके फिर से आना मुश्किल हो जाएगा। सूर्या को बोल दिया था दाल चावल ऐसे कुछ बना लो, अभी मछली पकड़ेंगे, दाल चावल आलू फ्राई और मछली का फ्राई एकदम गर्मा गर्म। और इतना ज़्यादा गर्मी है, 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, कहीं भी रहो तो पसीना ऐसे ही टपकते जा रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद यहाँ आप बैठेंगे ना, यहाँ इतना तेज़ हवा चलता है चारों तरफ, कहीं भी अगर हवा नहीं होगा लेकिन यहाँ आके बैठने के बाद एकदम क्या कहूँ। और आप सभी को तो बुलाएंगे, सभी को यहाँ आना होगा, पैरेट दीपंकर का नया जो फॉर्म बनेगा, एक्जोटिक पैरेट्स, एक्जोटिक बर्ड्स, उसके साथ एक्जोटिक सारे एनिमल्स, मतलब जो जो लीगल है, जो जो रख सकते हैं केयरिंग करके हम लोग यहाँ, उन सब का मतलब यहाँ आने के बाद हम लोगों का फील होगा कि अलग एक दुनिया में हम लोग आए हैं, ऐसे फील सुंदरबन का, मछली, पेड़ पौधा, पानी का टच मिलेगा। सभी को यहाँ आना होगा, 1-2 दिन करके बिता के जाइए, छोटा छोटा कॉटेज भी अरेंज करेंगे, धीरे धीरे टाइम लगेगा लेकिन होगा। यहाँ आने के बाद आप लोग दूसरा मतलब अभी जो दुनिया में आप लोग लाइव लीड कर रहे हैं वहाँ से पूरा अलग बनेगा। यहाँ अंदर आने के बाद फील होगा कि अलग दुनिया में, यहाँ सिर्फ शांति शांति होगा, हैप्पी हैप्पी होगा और कुछ नहीं, कोई टेंशन फ्रस्ट्रेशन कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि एक्जोटिक पैरेट से ऐसा एक चीज होता है, इतना वेराइटीज का कलर है कि उन लोगों के सामने जाके और उन लोगों का साउंड आपका कान भर देगा, उन लोगों का कलर मूवमेंट आपका पूरा मतलब अटेंशन, पूरा जो दृष्टि है उसको ग्रैब करेगा। तो इन सारे एक्जोटिक पैरेट्स, बर्ड्स, एनिमल के सामने खड़ा होकर आप दूसरा कुछ सोच ही नहीं सकते, मेंटली रिफ्रेश होने का इससे बेहतर, इससे ज़्यादा, इससे बढ़िया कोई रास्ता ही नहीं है। तो यहाँ आइए खुद को रिफ्रेश करके फिर से 1-2 दिन बिता के अपना घर जाइए, लेकिन उसके लिए भी अभी टाइम लगेगा, 1-2 साल, ठीक है ना। 1-2 साल में तो हम यहाँ आ जाएंगे, रह लेंगे, लेकिन बाकी का जो कॉटेज वगैरह आप लोगों के लिए वो धीरे धीरे टाइम लगेगा शायद, देखते हैं, ऊपर वाला भगवान है और आप लोगों का सपोर्ट है, डिपेंड करेगा। मैं भी नहीं कह सकता कि 1 साल में होगा या 2-3-4 साल लग जाएगा, लेकिन बनेगा जरूर, धीरे 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 धीरे, डिपेंड करेगा उसका ऊपर और आप सभी का ऊपर। थैंक यू। चलिए अभी मछली पकड़ेंगे और फ्राई करके खा के यहाँ 1/2 घंटा 1 घंटा रेस्ट करेंगे। दोपहर में तो ऐसे कभी भी मतलब रेस्ट और बैठने के लिए ऐसे कोई सिस्टम नहीं रहता है, लेकिन यहाँ जब आता हूँ 1/2 घंटा, क्योंकि इतना गर्मी, ना एसी, ना फैन, ना पंखा, कुछ नहीं, यहाँ बैठ जाइए, पसीना तो दूर की बात है, ठंडक मिल जाता है। अंकल जी रेडी हो गया, तैयार हो गया। फर्स्ट मैं जाल फेंकने के लिए इच्छा प्रकाश करता हूँ, ज़्यादा पकड़िए तो मैं जाल फेंकूं और मछली ना आए, ये तो हो नहीं सकता। गोपाल दा मतलब ये सब लोग ना, किसी भी तालाब में अगर मछली नहीं भी होगा, इन दोनों का उतार दीजिए, मतलब अगर पूरा मछली पकड़ लिया गया होगा फिर भी उसी तालाब में आप इन दोनों को क्या कहूँ। हाँ, हंसना जरूरी है जिंदगी में, सब कुछ के साथ हंसना बहुत जरूरी है, हंसना भूलना नहीं चाहिए। और अभी अभी धीरे धीरे हम लोगों का जिंदगी ऐसे एक स्टेज में जा रहा है, हम लोग हंसना भूल रहे हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। हंसी खुशी के अंदर इस छोटा सा जिंदगी, मौत को बहुत करीब से देखे है, जब जॉन्डिस हुआ था ना तब समझ लिया था कि कितना छोटा है हम लोगों का जिंदगी। तो जब तक जिए, देखिए अर्निंग बहुत जरूरी है, जिंदा रहना है, अच्छे से समाज में रहना है, पैसों का भी जरूरत है, लेकिन पैसों के पीछे इतना मत भागिए कि मतलब हंसना भूल जाए, जिंदगी का छोटा छोटा खुशी को हम लोग मार दे, ठीक है ना। तो हंसना बहुत जरूरी है, हंसते हंसते जो होता है वही अच्छा है, मतलब हंसी बंद करके दूसरे कोई भी किसी भी चीज के पीछे जाना सही नहीं है। ये जाल उतना बड़ा नहीं है, छोटा है लेकिन भारी बहुत है। जाल क्या फेंकू, देखो आम देखो, चलो छोटो को दिला मैं, देखो बताओ कमेंट्स करके अभी कुछ आने वाला है या नहीं। ओ देखो देखो देखो, खराब हो चुका है,
पकड़ो। अरे अंकल जी सच में आप नीचे उतर गए? देखो देखो देखो, टेंशन एक ही बात है क्योंकि मिट्टी आसानी से यहाँ वहाँ से नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। पूरा नहीं करेंगे लेकिन, और थोड़ा सा मिट्टी होता तो बेसिक जो काम है ना, यहाँ जो रास्ता है ये भी थोड़ा सा गिरा देना चाहिए था। हम लोग सोचे थे कि मिट्टी मिल जाएगा लेकिन मिट्टी अभी मिल नहीं रहा है। कुछ नहीं है अंकल जी? ये क्या हुआ? ओ नहीं नहीं, मछली है, मछली है। देखो छोटा है तो सही है लेकिन मछली है। ये देखो एकदम सामने देखो, कैसे आम देखो। यही तो मज़ा आता है, यही तो खुशी है, और मछली भी है। मोरल फिश मेरा फेवरेट है। कहाँ गया मोरल फिश? ये देखो, तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया। वीडियो का अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और जो सारे फ्रेंड्स हैं उन लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा। और इस मतलब गर्मी के एंड में, बारिश का शुरू होने का टाइम, ये जो हर एक पेड़ में नया नया पत्ता आता है, हर एक पेड़ मतलब ये डीप ग्रीन और ये लाइट ग्रीन, एक अलग ही रूप होता है सारे पेड़ का, हमको तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और आप में से कितने सारे लोगों को ये पसंद आता है, अच्छा लगता है, वो भी इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बताना है। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बगल का बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा। तो आज का वीडियो यहाँ खत्म होता है, फिर मिलेंगे किसी नया वीडियो नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। बहुत ही जल्दी 15-20 मिनट के अंदर पूरा तैयार। इतना सारा देखो देखो, मैंने सोचा था कि दाल चावल होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे कुछ है। सडनली देखा कि घने बादल छा रहा है, बारिश आ सकता है कभी भी, इसी के लिए बाहर बैठ के खाता तो और भी ज्यादा मजा आता, लेकिन क्या करे बारिश आ जाएगा तो दिक्कत होगा। हवा में ड्रोन को उड़ाना सही रहेगा या नहीं पता नहीं, बहुत तेज हवा होगा। काम होगा मतलब इसका बैटरी का सेल डाउन हो गया, वो वाला गाड़ी ले आके स्टार्ट करने के लिए कोशिश। खाना खाया? ठीक है खा लो।